यूक्रेन से पलामू आया आयुष, दर्द भरी दास्ता से गुजरा आयुष का वक्त। 36 घंटे तक बिना छत बर्फबारी में गुजारनी पड़ी दिन और रात। आखिरकार जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के हमीदगंज निवासी मेडिकल छात्र अरविंद कुमार का 18 वर्षीय पुत्र आयुष राज 5 दिन के सफर के बाद बुधवार को सकुशल अपने घर लौट गया। खबर ऐसी है जिसे सुन आप हो जाएंगे दंग। तो चलिए जानते हैं यूक्रेन से पलामू कैसे आया आयुष। पहले यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर पार करने में उसे 4 दिन लगे। इस बीच 36 घंटे तक उसने बिना छत के बर्फबारी में गुजारी अपनी रात। बताते चले कि आयुष राज मेडिकल की पढ़ाई करने 3 माह पूर्व यूक्रेन गया हुआ था। वह लुआनो फ्रेंक्विस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष का छात्र है। आयुष ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि छत पर देखा तो धुआं नजर आया। उसी समय उसके साथ मौजूद 25 छात्रों का दल ने वहां से निकलने का निर्णय किया। 25 को निकल नहीं सका, लेकिन 26 फरवरी को एक बस बुक कर रोमानिया बॉर्डर की ओर निकल गया। जिस जगह पर वह रह रहा था वह 27 फरवरी को कब्जा हो गया। 26 की शाम 5 बजे रोमानिया बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले ही बस ने उसे उतार दिया। शरीर को जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में छात्रों को पैदल ही रोमानिया बॉर्डर पहुंचना पड़ा। 26 की रात उसे खुले आसमान के नीचे बॉर्डर एरिया में अपनी रात गुजारनी पड़ी। 28 फरवरी को उसने बॉर्डर पार किया। 28 को रोमानिया में रात गुजारी और अगले दिन 1 मार्च को वह दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ा। दिल्ली से सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट से वह रांची 8:30 बजे आया और फिर मेदिनीनगर बस के जरिए पहुंचा। आयुष ने कहा कि वार शुरू होने के बाद यूक्रेन सरकार और उनके कॉलेज प्रशासन ने उनका भरपूर सहयोग किया है।